दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। देश की जनता भी लंबे लोकसभा चुनावों से ऊब सी गई है। जहां शुरुआत में जनता की बहुत ज्यादा निगाह थी कि चुनावों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब किस राज्य में चुनाव पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, जनता उत्साहित तो है और उसने जो तय कर लिया है वो भी अब सामने आने लगा है, लेकिन सबकी निगाह 4 जून की तरफ। उससे 4 जून से पहले पहले सबके अपने अपने दावे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी या भाजपा के अन्य नेता, उनका दावा है कि भाजपा इस बार या एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार जाएगा, यानी 543 में 400 से ऊपर अकेले एनडीए की सीटें आएंगी। उसी तर्ज पर बहुत सारे प्रमुख चैनल, न्यूज चैनल कुछ हिचक रहे हैं। वो कह रहे 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 350 तो भाजपा और एनडीए की मिलकर सीटें आ ही जाएंगी। और तीसरे नंबर पर कुछ भाजपा समर्थक नेता या जो मध्यम मार्ग की बातें करते हैं, उनका दावा है कि कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही बनेगी और मोदी जी ही सत्ता में लौटेंगे। ये सबके अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी को या अमित शाह जी को या भाजपा नेताओं को ये कहने का दावा, मतलब उनको जो दावा कर रहे हैं ये उनका हक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी चैनल है या देश के बड़े पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं या और संस्थान हैं, जो अपने अपने तरीके से 543 सीटों में से ज्यादातर भाजपा के सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं। कई संस्थान हैं जो यही काम करते हैं चुनावों से पहले या चुनावों के दौरान, और वो बताते रहते हैं कि इस बार फला पार्टी को इतने मिलने हैं या एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को इतनी मिलेंगी। तो ये दोस्तों, उन सबके अपने अपने आकलन हैं, अपनी अपनी मेहनत है, कौन कितनी मेहनत करता है, कितने हजार लोगों से बातचीत करके वो अपने फैसला लेते हैं, या जो भाजपा या एनडीए है उनका तो हक बनता ही है, वो तो जिताएंगे ही, और वो 400 पार के हैं तो उनके लिए कहना जरूरी भी है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है देश भर में, वो कैसे बूस्टअप होंगे, कैसे उनमें जोश आएगा कि हाँ इस बार भी एनडीए की या भाजपा की सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 पार हो आ रही, तो उनको उत्साह में भरने के लिए भी ऐसी बातें बढ़ा चढ़ाकर की जाती हैं और हर पार्टी करती है। लेकिन दोस्तों, एक पैरेलल, एक ऐसा भी संस्था है, संस्था तो नहीं कह सकते लेकिन उसे कहते हैं हम सट्टा बाजार। सट्टा बाजार के अपने आकलन हैं और जो उसके आंकड़े आ रहे हैं
वो बहुत ही चौंकाने वाले और हिलाने वाले हैं। और दोस्तों ये सब जब मानते हैं, नेताओं की भी नजर सट्टा बाजार पर रहती है, वो वैध है अवैध है वो मुद्दा अलग है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि सट्टा बाजार जो आंकड़े देता है रिजल्ट उसी के आसपास अक्सर होते हैं। ज्यादा बार वो सटीक आंकड़े देता है, कई बार उसके गलत भी होते हैं। तो उसी आधार पर मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं कि भाजपा या एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और राज्यवाद किस गठबंधन को या किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो दोस्तों तो मैंने कहा कि सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणियां हैं वो आंकड़े हैं वो सत्य के करीब ही माने जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कानपुर सट्टा बाजार की। तो इसमें जो हम ऊपर से शुरू करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटें हैं और दोस्तों जो कानपुर सट्टा बाजार दावे कर रहा है उसके अनुसार 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। उसके बाद पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पहले भाजपा का गठबंधन अकाली दल से होता था और उसकी 2 सीटें अक्सर आ जाती थी और ऐसा मतलब रहा है कि कुछ ना कुछ उसकी 1-2 सीटें आती रही हैं, लेकिन जो कानपुर सट्टा बाजार दावा कर रहा है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन को 13 में से 13 सीटें मिल रही है। 13 में से 13 सीटें मिल रही हैं। उससे आगे बढ़े तो हरियाणा में जो कानपुर सट्टा बाजार दावे कर रहा है बहुत ही चौंकाने वाला है। दोस्तों कानपुर सट्टा बाजार के आंकड़े जो कह रहे हैं उसके अनुसार हरियाणा में भाजपा का लगभग सफाया होने जा रहा है और कानपुर सट्टा का दावा है कि हरियाणा में 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और केवल 2 सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। लेकिन दोस्तों मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए या देश भर के दर्शकों के लिए कि ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, सट्टा बाजार के हैं। हम ना तो इनकी पूरी तरह से पुष्टि करते हैं ना इनको नकारते हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं जो सट्टा बाजार कह रहा है, हम सिर्फ आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये गलत भी हो सकता है, इनमें सीटें माइनस प्लस भी हो सकती हैं, हम इस बात को मानते हैं। और कई राज्यों में ऐसा हमें लगा भी है कि जो कानपुर सट्टा बाजार दावे कर रहा है उसमें जो कहीं अतिशयोक्ति है वो भी हम आगे बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब हम दिल्ली आते हहैं। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। यहां पर भी कई कारणों के चलते 7 की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन लौट रहा है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुए थे दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा लिया। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हम दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन अब बीच में जो है हम थोड़ा सा बड़े बड़े राज्यों का आपको आंकड़े बताना चाहेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार 2019 के चुनावों में वहां पर एनडीए का दबदबा रहा था, लेकिन उस समय
उनका जो भाजपा का जो गठबंधन था वो शिवसेना के साथ था और एनडीए को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों इस बार महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के झोली में जाती बताई जा रही हैं और सिर्फ 18 सीटें एनडीए को मिलेंगी, मतलब भाजपा को मिलेंगी, जिसमें उनके एनडीए के भी साथी हैं। तो आपको लग रहे होंगे कि आपने शायद सोचा नहीं होगा कि ये जो आंकड़े हैं सचमुच चौंकाने वाले हैं, मुझे भी चौंका रहे हैं, आपको भी चौंकाएंगे, पूरे देश को भी चौंकाएंगे। फिर इसके बाद जो जहां से किसी भी पार्टी के सत्ता में लौटने की गारंटी होती है वो रास्ता वाया उत्तर प्रदेश जाता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, तो पिछली बार इनमें 80 में से 62 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन कानपुर सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को 80 में से 43 सीटें मिलने जा रही हैं और एनडीए को या भाजपा के खाते में 37 यानी 37 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कहते कि ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ये सही होंगे। इसमें हो सकता है कि भाजपा की सीटें कुछ और बढ़ती आपको दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के साथ ही लगता राज्य है उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। यहां पर 5 सीटें हैं, इसमें से इंडिया गठबंधन को 3 दिखाई जा रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में 2 आ रही हैं। लेकिन यहां भी हम नहीं दावा कर सकते, कुछ माइनस प्लस हो सकता है। हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं और दोस्तों यहां पर जो सट्टा बाजार बता रहा है कि 4 सीटों हिमाचल की 4 की 4 सीटें भाजपा की झोली में जा रही हैं और ये पिछली बार भी 4ों की 4 सीटें भाजपा को ही मिली थी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के खाते में और 3 सीटें एनडीए के खाते में, 11 और 3 14, बाकी 3 जो है अदर्श के खाते में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 1 एनडीए को मिलने जा रही है। बंगाल प्रमुख राज्य है, बंगाल की 42 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें कानपुर सट्टा बाजार 36 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है और 6 सीटें मात्र भाजपा को दे रहा है। यहां पर थोड़ा अतिशयोक्ति सी लगती है, मेरे गले नहीं उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो 36 दिखाई जा रही हैं और एनडीए को 6, तो एनडीए की सीटें यहां पर बढ़ सकती हैं और गठबंधन की 36 से कम हो सकती हैं। लेकिन बढ़ोतरी इसमें या बहुमत जो है बंगाल का ही रहने वाला है। लद्दाख में 1 सीट है, वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, इस बार जो है भाजपा ने और मोदी जी ने तमिलनाडु में या पूरे दक्षिण भारत में काफी मेहनत की है और वहां से दावा किया है कि उनको इस बार सीटें मिलेंगी और वो भाजपा मतलब तमिलनाडु में भी खाता खोलने जा रही है। लेकिन जो कानपुर सट्टा बाजार है, तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है, लेकिन यहां भी हमें लगता है कि शायद इस बार भाजपा
खाता खोल सकती है। दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चूंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक में ही समेट रहा हूं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें टोटल 9 सीटें हैं और 9 में से 8 जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, बताई जा रही हैं, और 1 एनडीए के खाते में। दोस्तों कुछ और अभी रह गए हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को ज्यादा सीटें कानपुर सट्टा बाजार नहीं बता रहा है। आंध्र की 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दी जा रही हैं और एनडीए को 3 सीटें, बाकी जो है अदर्श यानी वहां की जो लोकल पार्टी स्थानीय पार्टी है उनके खाते में जाएंगे। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, भाजपा को यहां 0 मिल रहा है। दोस्तों ये आगे जो कुछ और सीटें बची हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं लोकसभा की, 25 की 25 सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जीती थी, यानी कांग्रेस का पूर्णतः सफाया कर दिया था। लेकिन इस बार सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि 25 में से इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलेंगी और एनडीए के खाते में 13 जाएंगी। लेकिन पिछली बार 25 सीटें मिली थी भाजपा को पूरी की पूरी, तो क्या वहां इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि वो जहां उसकी 0 थी पिछली बार, इस बार 12 होंगी, तो यहां भी शायद भाजपा की 13 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं। लेकिन ये इनका दावा है तो है, ये इनका मामला है, सट्टा बाजार का मामला है, लेकिन हमें लगता है कि शायद यहां भाजपा को ज्यादा सीटें मिल जाए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ कि कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, इसमें भी जो सीटें दिखाई दे रही हैं, बताई जा रही हैं, कानपुर सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को 9 सीटें दे रहा है और एनडीए को 2। लेकिन ये आंकड़ा भी हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है और यहां पर जो है भाजपा की सीटें ज्यादा हो सकती और शायद होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। एक और महत्वपूर्ण राज्य बिहार, बिहार में दोस्तों 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 2019 के चुनावों में एनडीए ने धमाकेदार एंट्री की थी और उन्हीं के खाते में ज्यादा सीटें गई थी, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इसके बावजूद कि जेडीयू इस बार भी भाजपा के साथ है, उनके साथ गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। 40 में से 29 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं और 11 सीटें एनडीए के खाते में बताई जा रही। आगे चलते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं, इसमें भी पिछली बार भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और 28 में से 25 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में बताई गई हैं और मात्र 3 सीटें भाजपा एनडीए के खाते में। तो दोस्तों ये लगभग हमने पूरे राज्यों का आंकड़ा दे दिया है और ये जो हमने सीटें बताई हैं इनमें 32 सीटें आदर्श के खाते में गई हैं, जिनके हमने यहाँ नाम नहीं लिए, हमने इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथियों के ही नाम लिए हैं, लेकिन 32 लोकसभा सीटें जो इंडिया या
एनडीए गठबंधन में नहीं है, उनके खाते में गई है। लेकिन अब जो मैं महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन मैं फिर ये आंकड़े बताने से पहले कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, सट्टा बाजार के अनुसार ये चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों, कानपुर सट्टा बाजार के पर हम यकीन करें, जो कि बहुत लोग करते हैं, मैंने पहले भी दोहराया शुरू में कि सट्टा बाजार की आम तौर पर जो भविष्यवाणी होती है सत्य के आसपास होती है, उसके आंकड़े गलत बहुत ही कम होते हैं। इस सब के बावजूद 4 तारीख को सब सामने हो जाए, सामने आ जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन सत्ता में लौट रहा है, भाजपा फिर तीसरी बार सत्ता में लौट रही है या नहीं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं। लेकिन जो हमने आंकड़े देश भर के आपके सामने कानपुर सट्टा बाजार के रखे हैं, उसके अनुसार लोकसभा की 543 सीटों में से 346 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई बताई जा रही है और एनडीए के खाते में मात्र 165 सीटें कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है। यदि दोस्तों हम सट्टा बाजार पर यकीन करें, हालांकि अंतिम दौर के एक आध चुनाव और रह गया है, वोटिंग पड़नी बाकी है, लेकिन जो ये इससे दिशा मिल रही है, ये सीटें कम बढ़ती हो सकती हैं किसी भी राज्य में भी, और पूरे देश का जो टोटल इन आंकड़ों में 543 सीटों में से जो इंडिया गठबंधन को बताया गया है वो कम भी हो सकता है। लेकिन उस सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की आवाज चल रही है और बदलाव या परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार कभी भी कुछ भी संभव है। और यदि यही आंकड़े सत्य के आसपास आते हैं तो जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार आंधी तो किसी की नहीं चल रही है, ना तो एनडीए की, ना मोदी जी की, ना ही विपक्ष की, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये भाजपा वर्सेज जनता है। इसलिए शांत से चुनाव माहौल में भी इंडिया गठबंधन को इतनी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो ये सट्टा बाजार है किसको सत्ता दिला रहा है, और सट्टा बाजार के दावे पर हम यकीन करें तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है और भाजपा का सत्ता से बाहर होना लगभग तय हो चुका है। लेकिन असली फैसला 4 जून को आएगा और 4 जून को के जो आंकड़े हैं वो किसके हक में जाते हैं, इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाते हैं या भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लौटाना चाहते हैं और तीसरी बार मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सब 4 जून को ही आपको और हम सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल पाएगा और असली आंकड़े वही होंगे जो 4 जून को देश की जनता को पता चलेंगे चुनावों के बाद, चुनाव परिणाम के आने के बाद। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़े। आपका कुछ खर्च नहीं होता लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो कृपया इतनी मेहरबानी आप जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलते हैं, नए मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।